प्रिया चल आंखें बंद कर। पर क्यों? अरे कर ना। अच्छा ठीक है चल अब अपनी आंखें खोल। अरे वाह कितना महंगा हार है, यहाँ तो मुझे बिन मांगे कितना कुछ मिल रहा है, लूटने में मजा आएगा। अरे प्रिया क्या हुआ? अब कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अब कुछ भी हो जाए आज के आज मुझे सारा माल लेकर निकलना ही होगा चालाकी से। इसे मैंने कहीं तो देखा है। अरे हाँ कैसी हो भाभी, मेरा मतलब है लुटेरी दुल्हन। मैं चोर नहीं हूँ। रुको मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं मैंने चोरी नहीं की है, छोड़ दो। चोर कहीं की? मैं चोर नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। प्रिया प्रिया। हाँ। अरे क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा? हाँ वो मैंने सपना देखा। अच्छा ठीक है चल चाय बना दे। अब हाँ आप जाइए मैं आती हूँ। हे भगवान आज सुबह सुबह ये कैसा सपना देख लिया, आज कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। प्रिया। हाँ। पिछली बार हमारे घर में चोरी होते होते बची है और ऐसा फिर से हो सकता है, इसलिए हमारे घर में जितनी भी ज्वेलरी है वो मुझे दे दे, मैं बैंक में जमा करवा देता हूँ। क्या? हाँ अब क्या करूँ क्या करूँ। हाँ अब वो आज ना आज का दिन शुभ नहीं है, आज के दिन आप घर से लक्ष्मी मत निकालिए, मैंने सुबह ही राशिफल में देखा। वो फिर आपकी मर्जी। अच्छा हाँ मैं ना इन सब में बहुत मानती हूँ, प्लीज आज के दिन ना आप बैंक में मत रखवाइए, अब कल रखवा दीजिएगा ठीक है? अच्छा ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं निकलता हूँ। अब प्रिया अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, जो भी कर जल्दी कर। हाँ मैं लुटेरी दुल्हन। प्रिया तू तो गई काम से। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने इसे पहचान लिया और मैं तुरंत यहाँ आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मतलब कि मैं तुम्हारा पांचवा पति हूँ? नहीं सातवा। तू रुक अब भी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। अच्छा होता कि मेहनत करके कमा लेती, अब चारों तरफ मेरे ही चर्चे होंगे। तो फाइनली लुटेरी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई। टूं 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 टूं